पूर्णिया के सहायक खजांची थाना अंतर्गत लखन चौक भट्टा बाजार के समीप एक किराएदार को कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में 30 अप्रैल को मकान खाली कराकर मकान मालिक को सौंप दिया गया, जिसके बाद यह लग रहा था कि यह मामला अब हमेशा के लिए निपट गया है, किंतु महज एक रोज बाद इस मामले को लेकर फिर जबरदस्त मारपीट हुई है, जिसमें दो व्यक्ति को चोटें आई हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल पूर्णिया में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किराएदार मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने तो मकान खाली कर दिया, लेकिन बाद में फिर उसी मकान का ताला तोड़कर प्रवेश कर गया। इसके बाद मकान मालिक और उनके लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो दोनों में मारपीट हो गई। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किंतु जहां मारपीट हुई है वह जगह लखन चौक बताया जा रहा है, जहां किराएदार को मकान खाली करने के बाद वहां आने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार मना कर दिया गया था, किंतु उसके बावजूद किराएदार वहां क्यों आया, उसका इरादा क्या था, यह सवाल या निशान है जिसका सटीक जवाब किराएदार के पास भी नहीं है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पल का साइन है, दौलतिया का साइन है और रामचंद्र सिंधे का साइन है, इसमें लिख के दिया है, ये तो ले लिया, ये लिख के दिया। वैसे ही रखिए। क्या हुआ है घटना आपके साथ? हम अपने घर में बैठे हुए थे और बगल के ही लोग जो है आकर के घर पे हमला कर दिए, दीवार सब तोड़ना शुरू कर दिए, दरवाजा तोड़ करके ऊपर आए, उन लोग भी वीडियो किए हुए हैं, लेकिन दरवाजा तोड़ करके जो आए अंदर हमको चारों बगल से पकड़ लिए हमको, और अनिता देवी जी, अनिता देवी भट्टा बाजार को अनिता देवी है, उनके जो बड़े दामाद हैं उन्होंने तलवार मार दिया इधर से ऐसे, और अनिता देवी के दो जो पुत्र हैं उनका नाम है विष्णु और एक का नाम है गुड्डू, उन्होंने ऐसे मेरे काउंटर के ही शीशे थे, वो ऐसे शीशे पकड़ करके ऐसे करके मार दिए एकदम ऊपर में मेरे सिर पे। उसके बाद हम बेहोश हो गए हैं। अब बेहोश होने के बाद उनको प्रशासन यहाँ पर लाया। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था आप लोगों का? देखिए विवाद ऐसा है कि जो व्यक्ति हमको मारा है उससे मेरा कोई विवाद नहीं है, लेकिन मारा वही है, जिससे मेरा विवाद नहीं है वही व्यक्ति हमको मारा है। अच्छा, विवाद किनसे है आपका? मेरा विवाद है तो पहले था, अब नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम अपने जमीन पर बैठे हुए थे ना, घर में हम अपने घर में, बोले किसी चीज का दुकान मेरा है, सोना चांदी का दुकान है, भट्टा बाजार लखन चौक मनीला होटल के सामने में मेरे दुकान का नाम। क्या लगता है मारपीट करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? मारपीट के पीछे का कारण यही है कि हमको घर से निकाल करके बाहर कर दिया। अच्छा, अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं हम लोग जमीन पर? नहीं, अवैध देखिए, हम भी अपना केवाड़ाधारी है, अगर आप कहते हैं कि केवाड़ा देखना चाहते हैं तो आप केवाड़ा देख सकते हैं। दिखाओ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम किशोर रामचंद्र शिंदे हुआ। दुकान का नाम क्या है? मेरे दुकान का नाम है प्रियंका गोल्डन हाउस एंड वर्कशॉप। क्या मामला हुआ? आदमी कह रहा है कि आप लोग बहुत मार रहे हैं उनको। जमीन का मामला था, वो कल रात में जबरदस्ती घुस गया था भीतर में, कोर्ट के द्वारा दिन में जो है ना वहाँ से मजिस्ट्रेट नाजिर सिविल कोर्ट से और पुलिस बल सब लोग थे, सब लोग दिन में खाली करा के हैंड ओवर करके चाबी दे के चले गए, ताला मार के चाबी हमको दे के चले गए रात में, और वो लिख कर भी दिया है कि हम जो है ना ये मकान स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं और अपना जो है ना सब सामान निकाल लिए हैं और हमको इससे अब कोई मतलब नहीं है, सिग्नेचर भी करके दिया है और हमसे सिग्नेचर कोर्ट के द्वारा जो है ना नाजिर वगैरह जो है वो हमसे भी लिखाया कि हम मकान हम आपको हैंड ओवर किए हैं, खाली करके पोजीशन देके चला गया वो रात में, किशोर कुमार सिंधे और रामचंद्र सिंधे रात में 2-3 बजे रात में जो है ना वो ताला तोड़ के घुस गया और अंदर में घुसा हुआ था और बाद में फिर झगड़ा भी किया, मेरे रिलेटिव है अनिता देवी उससे झगड़ा झंझट किया, धक्का मुक्की किया है और उसका जो है गले का जो है ना चैन वगैरह सब छीन छान लिया है, उसके साथ 3-4 आदमी और था अंदर में सब मिल के जो है ना किया है। वो अपने से अंदर में बंद था, वो जो है ना अपने से ही जो है ना कान कपाड़ झाड़ लिया है, गेट बंद था, अपने से कान कपाड़ झाड़ लिया है।
इलीगल रूप से आए थे। ये काम तो थाना को था, थाना में भी हम जाकर दिए थे, कल सूचना दिए थे दिन में, कैसा ऐसा बात है। वहाँ से 112 नंबर की गाड़ी आई थी, वहाँ से एक कोई थे वो आए थे, वो देख के वीडियो लेके उसका चले गए, बोले कि इसको पटना भेजेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग थाना भी गए, जाकर वहाँ भी सूचना दिए, लेकिन थाना से कल कोई नहीं आया। हम लोग बोले कि उनको जो है वहाँ से हटा दीजिए, लेकिन थाना से कल कोई नहीं आया। कोर्ट के आदेश को जी मान लिया, बाद में इलीगल रूप से घुस गया। बहुत पहले से भाड़ा जा था, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। 2001 से मामला चल रहा था कोर्ट में, 23 साल तक मामला चलने के बाद कोर्ट के द्वारा खाली हुआ है। 23 साल तक आपको मामला लगा था भाड़ेदार से? जी, तब खाली हुआ, तब खाली हुआ। इसके बाद फिर घुस गया था, फिर घुस गया जबरदस्ती। तो मारपीट जो भी हुई है, उसके बाद पुलिस भी आई थी? पुलिस तो सुबह आज करीब 9-10 बजे करीब आई है सुबह में। आज के युग में तो बहुत मुश्किल है किसी को भाड़ा देना। अब तो पूर्णिया वासी से निवेदन करेंगे, इन लोगों को तो कोई नहीं दे भाड़ा, तो जिसके मकान में ये रहेगा वो हड़पना शुरू कर देगा। और ये लड़का फ्रॉड है, बाप बेटा दोनों जो है ना सोना चांदी नकली सोना चांदी गलाने का काम करता है, और चोरों से जो है चोरी का माल लेके गला के बेचता है। 2-3 बार वो पकड़ा भी चुका है, केहट थाना पकड़ भी चुकी है उसको। सोना चांदी चोरी वाला में चोर को लेकर आया था पुलिस जो है ना, कटिहार से और कहां कहां से आया था, चोर के द्वारा शिनाख्त करके इसको पकड़ के ले भी गया था, फिर बाद में छोड़ दिया था ना। गलत काम करता है? हाँ हाँ, एकदम चोरी का माल खरीद के गला का सोना चांदी बेचता था। अच्छा ये बताइए कि अब आप किसी को भाड़ा देने से पहले सोचिए? नहीं नहीं, आप भाड़ा क्यों देंगे किसी दूसरे नहीं, किसी को नहीं, अब देना ही नहीं, नहीं देना ही नहीं। क्या नाम? गोपाल प्रसाद। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।